नमस्कार साथियों, काफ़ी टाइम से भाई वीडियो डाल रहा हूँ मैं। लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं वीडियो डाले हुए, क्योंकि एक्चुअल में मैं चल रहा था दुबई की तैयारी, यूएई जाने के रिलेटेड। जी हाँ, तो आपको पता है दुबई के चक्कर में फिर थोड़ा सा बिजी हो गए, काम निपटाना था। आपको पता है तैयारी करनी पड़ती है, कोविड-19 के हालात आपको पता है कैसे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में ये बताना चाहूंगा कि मैं यूएई कैसे पहुंचा, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से आप अगर यूएई आना चाहते हैं तो क्या आपका प्रोसेस रहेगा, पूरी डिटेल से बात करेंगे। मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोगों ने कोविड भी करवा लिया, टिकट भी बनवा ली, वीजा भी है, उसके बावजूद उनको एयरपोर्ट से वापस रिटर्न कर दिया गया। जी हाँ साथियों, मैं आने से इंडिया से जब मैं इंडिया में था तब मैंने देखा कि एक टिकट एजेंसी से बात हुई, और आपने देखा होगा ट्विटर पे काफी सारी जगह देखा, एयर एशिया जो इंडिया एक्सप्रेस है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, उन्होंने दिल्ली से 25 लोगों को रिटर्न कर दिया। जी हाँ साथियों, अब 25 लोगों को रिटर्न, सब सब कुछ था उनके पास में, फिर भी रिटर्न क्यों कर दिया गया? क्योंकि टिकट एजेंसी वाले ने भी बताया कि हमारे 4 बंदों को जो दिल्ली से गए थे, सीकर राजस्थान से दिल्ली पहुंचे थे, उनको भी रिटर्न कर दिया गया। इसका रीजन क्या था? हालांकि लोग बोलते हैं सर हमारे पास कोविड टेस्ट की रिपोर्ट है, हमारे पास वैलिड वीजा है, हमारे पास टिकट है, पासपोर्ट है, फिर रिटर्न क्यों कर दिया गया? इसका क्या रीजन हो सकता है? डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले भी पेज को फॉलो जरूर करके रखें, ताकि मैं काफी टाइम तक दुबई में रुकने वाला हूँ, अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ जानकारी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डालता रहूंगा। अगर आप आना चाहते हैं या दुबई से रिलेटेड, दुबई में भी जॉब कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा दुबई लेबर लॉ के साथ में पढ़ के, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा देख के आपके साथ वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर कर सकूं, ताकि जो इंडिया से दुबई आ रहे हैं उनके लिए भी जानकारी आपके लिए नॉलेजेबल रहेगी। एंड अगर आप यूए में जॉब कर रहे हैं तो भी आपके लिए आगे आने वाले जो वीडियो में डालूंगा उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए शेयर करूंगा मैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कि अगर आप यूए आना चाहते हैं तो प्रोसेस क्या है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको वापस आना पड़ सकता है, वो इंपॉर्टेंट देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक वीजा लेना है, चाहे आप 1 मंथ का ले रहे हैं, 3 मंथ का ले रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखने की बात यह है कि वीजा के साथ में एक डॉक्यूमेंट आते हैं, मेडिकल डेटा फॉर्म, एक और फॉर्म आपको एयरपोर्ट पे दिया जाता है, उसको भी आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। उसके बाद में वीजा आपके पास आ गया तो आपको, आपको एक बात बता दूं मैं, अगर आप शारजा आ रहे हैं, दुबई आ रहे हैं, तो आपको 96 आवर्स पहले का आपको कोविड-19 रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सीधा अबू धाबी जा रहे हैं तो मात्र 48 आवर्स आपको, यानी 48 घंटे पहले की रिपोर्ट वो मान्य करते हैं, उससे ऊपर हो गई तो मान्य नहीं करेंगे, एयरपोर्ट दुबई एयरपोर्ट से वापस लौटा सकते हैं। बाकी आपको लोकल इंडिया में भी वापस एंट्री नहीं मिलेगी एयरपोर्ट पे, क्योंकि ये डीजीसीए का सख्त आदेश है, यूएई का भी सख्त आदेश है, सरकार की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया है। तो अगर सबसे ज्यादा भाई मेरी जहां तक सोच है 80% लोग यूएई आते हैं, जी हाँ साथियों, दुबई आते हैं, 80% लोग दुबई लैंड करते हैं, शारजा अबू धाबी इतना नहीं जाते। और अबू धाबी में तो आपको पता है भैया बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वहां पे बोलते हैं कि विजिट वालों को एंट्री नहीं मिलती वगैरह वगैरह, उसका तो मैं इन्फॉर्मेशन लेके आपको दे पाऊंगा, क्योंकि काफी सारे बंदों बोल रहे हैं कि सर कई एजेंसी वाले मना कर रहे हैं कि अबू धाबी विजिट वालों की हम टिकट नहीं बना के देंगे, कल को आपको एंट्री नहीं मिली आप टिकट का पैसा मांगोगे, जबकि टिकट तो बन गई ना, तो पैसे किस बात के होते हैं, तो मतलब एक लफड़ा सा हो जाता है। तो सिंपल आपका वीजा आ जाता है, वीजा आने के बाद में आपको टिकट बना लेनी है, आपको कोविड टेस्ट कराने की लगभग मुझे नहीं लगता जरूरत है, क्योंकि मैंने जो करवाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि फिर अचानक से आप टिकट बनाओगे 2 दिन पहले की तो टिकट बहुत महंगी पड़ जाएगी आपको, ठीक है। जैसे आपका वीजा आ गया, जब आपको आना हो तो 10 दिन 15 दिन पहले की आप टिकट जैसे मान लीजिए बना लेते हो, तो अंडर 10,000 यानी आपका अंडर 10,000 के अंदर आपको टिकट मिल जाएगी, 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में टिकट आराम से आ जाती है। तो टिकट बन गई, मान लीजिए आपके पास टिकट आ गई, वीजा आ गया, पासपोर्ट आपके पास में, अभी मान लो टिकट बन रही है, उससे आपको 48 घंटे पहले आपको मेडिकल टेस्ट करवा लेना है। 48 घंटे का मतलब होता है जैसे आप आ रहे हो उससे 2 दिन पहले करवा लो, 24 घंटे में आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है। इस बात को ध्यान रखें, मेडिकल रिपोर्ट आईसीएमआर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आईसीएमआर रजिस्टर्ड का मतलब होता है जो यूएई की सरकार जिसको मान्यता देती है, वो ही मेडिकल इसमें रिपोर्ट चलेगा, उसी के चक्कर में लोग वापस आ रहे हैं एयरपोर्ट से, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और वो डीजीसीए की जो आईसीएमआर मोहर होती है, और आपका जो रिपोर्ट मिलेगा आईसीएमआर की, उसमें भी आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे मेरी रिपोर्ट तो उन्होंने रख ली है नहीं, फोटोकॉपी मैंने रखा नहीं था, जो रिपोर्ट आती है ना उसके ऊपर मोहर जरूरी है, आप हमेशा ध्यान रखें। मेरे सामने सामने 7 से 8 बंदों को काउंटर से रिटर्न कर दिया गया कि इसके ऊपर मोहर नहीं है। अब मोहर का क्या मतलब होता है जी, लेकिन मोहर वो मांग लेते हैं एयरपोर्ट वाले, तो उसमें उस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते,
उनको देखते रहते हैं, ठीक है। तो मोहर जरूरी होती है जिस कहाँ से होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कहीं से भी आईसीएमआर रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसके ऊपर वो आपको नेगेटिव की रिपोर्ट दे देंगे, ये रिपोर्ट आप इससे विदेश जा सकते हैं, लेकिन वो उसमें मोहर देखते हैं, मोहर होनी जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे एक्चुअली में हुआ क्या, मान लीजिए कि आपने आज कोविड टेस्ट की रिपोर्ट ले ली, उसके बाद पता चले 2 दिन बाद वो जहां से आपने लैब से करवाई है वो लैब ही बंद हो गई। ऑनलाइन एयरपोर्ट वाले ऑनलाइन भी शो कर देखते हैं, अगर उनको लगता है कि ये रिपोर्ट, ये जिस एजेंसी से हमने करवाया मेडिकल रिपोर्ट वो अथोराइज है नहीं है, ऑनलाइन है नहीं है, जहाँ पे वो ऑनलाइन होंगे उसी को मान्य करेंगे, क्योंकि मेरी रिपोर्ट उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम निकाल के चेक करी, लगभग 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए, फिर बंदा वहां गया चेक किया, फिर जाके मुझे अप्रूवल मिला। तो उस पे मेरे वाले पे मोहर थी, मेरे साथ में 2 बंदे और थे उसके वाले पे मोहर नहीं थी, उनको वापस रिटर्न कर दिया। अब बताओ जी, ये गरीब आदमी कितनी मेहनत से जोड़ तोड़ करके वहां तक पहुंचा, उनको तो इतना टाइम लगा, मोहर नहीं है, वापस जाओ। अब बाद में उनको कॉम्प्रोमाइज होता है या उनके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, वो एक अलग इशू होता है, या वापस निकाल देते हैं, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने निकाले हैं बहुत सारे लोगों को, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। और कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसका चार्ज मैं बता दूं भाई, मेरा चार्ज मात्र 1600 रुपये लगा है, इस बात का ध्यान रखें, 1500-2000 के करीब आपका चार्ज लगेगा। इसमें भी एजेंट लोग बन जाते हैं, या फिर वो जो टिकट बनाने वाले वो बोलते हैं हम आपका मेडिकल करवा देंगे जी, 5000 लगेंगे। मेरे पास भी एक दो बंदों के कॉल आए, बोला सर कोविड टेस्ट आईसीएमआर के हमसे 5000 रुपये मांगे गए। तो 1500-1600-2000 के समथिंग इसका चार्ज लगता है, कई जगह 1200 भी लग रहा था मेरी नज़र में, हमने राजस्थान में देखा, सीकर चूरू चूरू में 1200 लग रहा है, सीकर में 1600 रुपये ले रहे थे। उससे पहले एक और लैब थी वो 1500 में कर रही थी, लेकिन वो बोल रहे बंद हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ सैंपल करना क्या, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आपके पास पासपोर्ट होगा, आपके पास वीज़ा होगा, वीज़ा होने के बाद आप टिकट बनाइए जो 10,000 के अंडर में दुबई की टिकट आ जाएगी, ठीक है। टिकट बनने के जैसे आपकी टिकट है 7 दिन बाद में, तो उससे 2 दिन पहले आप कोविड टेस्ट करवा लीजिए, 2 दिन में वो रिपोर्ट आ जाएगी दुबई के लिए, 4.5-4 दिन के करीब का आपका टाइम मिल जाता है आपको, ठीक है। वो रिपोर्ट आपको उसमें आईसीएमआर रजिस्टर्ड नाम होना चाहिए लैब का, और उसके ऊपर मोहर होनी चाहिए जहाँ से आपका मेडिकल टेस्ट हुआ है, डॉक्टर की मोहर होनी चाहिए, वो वैलिड होगा। बस यही डॉक्यूमेंट आपके, फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, आप दुबई पहुंच जाओगे, दुबई में आपका आपका दोबारा से कोरोना टेस्ट होगा, ठीक है। वहां पे आपको करना क्या है कि आप जिसके पास जा रहे हैं, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका कंपनी हो, चाहे आपका कोई भी जान रिलेटिव हो जिसके पास जा रहे हैं, उसका नंबर आपके पास याद रहना चाहिए या आपके मोबाइल में होना चाहिए, क्योंकि वो नंबर आपका वहां पे ऐड करवाना होगा, क्योंकि वो कोविड टेस्ट करते हैं उसकी 94 आवर्स में, यानी 24 घंटे के समथिंग रिपोर्ट आ जाती है। मेरी रिपोर्ट 24 घंटे में आ गई थी, तो साथ वाले का या किसी का भी नंबर उसमें देना होता है, किसी जानकार का, रिश्तेदार का, कोई भी हो, ताकि उस पर वो मैसेज आ सके। 24 घंटे में मैसेज आ जाता है कि आपकी रिपोर्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अशोक, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। जी हाँ, और बाकी यार नेगेटिव होता है, रिपोर्ट लेके आते हो एयरपोर्ट में, 4-5 घंटे में कोई आदमी पॉजिटिव नहीं हो जाता, अगर होता है तो भी उसकी उसका लक्षण 3-4 घंटे में वहाँ पे शो नहीं करेंगे, क्योंकि जयपुर से चल के, राजस्थान दिल्ली से चल के आप दुबई एयरपोर्ट पहुंचोगे उतने में लक्षण नहीं दिखाएगा कोरोना, अगर लक्षण आते भी हैं तो 2-3-4-5 दिन लग जाते हैं, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, बाकी कुछ नहीं है। तो बस यही सिंपल है। आबूधाबी वाले भाई ध्यान रखें, आबूधाबी अगर आप जाते हो तो 48 आवर्स आपके पास होने चाहिए, विजिट वीज़ा वाला आप कन्फर्म कर लें, अगर मेरे से इंक्वायरी लेना चाहते हो तो मैं 1-2 दिन में बता पाऊंगा, क्योंकि ये श्योर नहीं है अभी। आबूधाबी का सिस्टम अलग है, दुबई शारजा का सिस्टम ठीक है। अगर आपको लगता है कि आबूधाबी जाना है तो दुबई शारजा आप आते हो तो जैसे ही आपकी वो रिपोर्ट एयरपोर्ट पे आपका मेडिकल होता है, आपको गौर करने की बात है, एयरपोर्ट पे जो मेडिकल होगा उसकी रिपोर्ट आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि यू आर नेगेटिव, ठीक है। वो मैसेज लेके फिर आप आबूधाबी में प्रवेश कर सकते हो, वो मैसेज जब तक नहीं आएगा प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 1 रात या 2 रात या 1 1 डे या 2 डे आपको दुबई में या शारजा में रुकना पड़ेगा, ये प्रोसेस हो सकता है। तो आपको आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बाकी और बातें हम रेगुलर वीडियो दुबई से रिलेटेड बनाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें भाई, यूएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो में जानकारी डालता रहूंगा, और लंबे टाइम तक मैं यूएई में ही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट या व्हाट्सअप में आप लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा। ये वीडियो सिर्फ टेम्परेरी सा आपके सामने मैंने शेयर किया, बाकी जैसे ही सेटअप बन जाता है तो मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।